तो भाइयों मुजफ्फरनगर से संजय बलियान जो कि क्षत्रिय विरोधी है, धीर सिंह बुनीर की मूर्ति नहीं लगने दे रहा था, उसका सोम चौबीसी के गांव में विरोध होना शुरू हो चुका है। तो भाइयों मुजफ्फरनगर लोकसभा में लगभग 7% क्षत्रिय हैं और इसके अलावा 4% मुस्लिम राजपूत हैं। लगभग 2.5 लाख वोट जो हैं इस लोकसभा सीट पर क्षत्रिय समाज के हैं। वही हमारे जाट भाइयों के जो वोट हैं वो लगभग 8% हैं और क्षत्रिय समाज के 11-12% हैं दोनों धर्म को मिलाकर, और इनके 8-9% से ज़्यादा नहीं हैं। फिर भी बीजेपी ने भी इनको ही टिकट दी, एसपी ने भी इनको ही टिकट दी, ना ही हमारे किसी मुस्लिम भाई को दी है जिनके 40% वोट हैं। तो अब देखिए कि अब बीजेपी ने और इसके अलावा एसपी दोनों एक ही कौम को टिकट दे रही है, और वही आरजेपी ने जो दी है वो शेर सिंह राणा को दी है जिनकी परसेंटेज 12% है। और अब सभी जितने भी लोग इनसे परेशान हैं जो एक ही कौम को देखते आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, वो फिर से वही काम कर दे जैसा ठाकुर विजयपाल सिंह ने चौधरी चरण को हराकर किया था। तो सभी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस बार हमें 8% वाला नहीं चाहिए। मीडिया में हो हुल्ला मचाया जाता है कि ये सीट तो जाट बाहुल्य है, लेकिन जाट बाहुल्य तब होती अगर जहाँ पर 20% से ज़्यादा आबादी होती, और जहाँ पर 8% से ज़्यादा ही नहीं है, वही क्षत्रिय समाज की 12% है, और ये जो सीट है ये क्षत्रिय बाहुल्य है, और जहाँ से शेर सिंह राणा ने अपनी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा है ठाकुर नंद किशोर पंडीर को, जिनकी कल सभा भी होने वाली है, होली मिलन हो रहा है जो कि सोम चौबीसी में। तो आप सभी जितने भी भाई हैं, ये लोकसभा है इसमें मेरठ जिले का जो क्षत्रिय बाहुल्य सोम चौबीसी भी आती है, इसके अलावा कुशवाहा चौबीसी और पंडीरों चौहानों के बहुत सारे गाँव आते हैं। सभी क्षत्रिय भाई इकट्ठा होकर ठाकुर नंद किशोर पिंडीर को जिताने का काम करें। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता।